ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ मौके ते हिमाचल ते पंजाब पुलिस मौजूद है ते पुलिस वालों इस समग्री संबंधी पड़ताल की जा रही है विस्फोटक समग्री एक्टिव है कि नहीं कितों आई कदों तो उत्थे मौजूद सी कि कोई वड्डा हादसा हुण टलिया ये तमाम चीजा जे सामने आनी बाकी ने राकेश मल्ली साढ़े सहयोगी साढ़े नाल जुड़ चुके ने राकेश की कुछ जानकारी है एक्टिव सी विस्फोटक जिसकी बरामदगी की गई है जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं जिला ऊना के सिंगा गांव में पंजाब पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी और इस दबिश के दौरान एक कुएं से जो है कुछ विस्फोटक सामग्री पुलिस को मिली है पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को भी डिटेन किया है और जो विस्फोटक सामग्री है उसको अपने कब्जे में ले लिया है हिमाचल पुलिस अभी मौके पर पहुंच चुकी है और जो पूछताछ है वो जारी है मीडिया को फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया गया है क्योंकि एक जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिंगा है वहां पर युवकों को रखा गया और अंदर जो है पूछताछ जारी है किसी भी समय में जो मीडिया को जो है पुलिस ब्रीफ कर सकती है जी जिन्ना दो लोगों को काबू किया गया है उन्होंने किस आधार पर काबू किया गया जी देखिए ये पूरा खुलासा जो है पुलिस अब से कुछ ही देर में हो सकता है इसकी जो डिटेल है वो मीडिया को जारी कर देगी जो सूत्रों से जानकारी मिली है क्योंकि पंजाब पुलिस जो है पकड़कर युवक को लाई थी उसकी निशानदेही पर एक कुएं से जो है विस्फोटक सामग्री पकड़ी है और उसके बाद जो एक और युवक को जहां से जो है डिटेन किया गया पूरा जो इस मामले से जो पर्दा है पुलिस कुछ ही देर में जो है उठाने वाली है चले राकेश आप नजर बनाए रखिएगा बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए सो विस्फोटक बरामद किया गया है पर हजे पुलिस वालों कुछ खास जानकारी सांझी नहीं की गई है हालांकि पंजाब पुलिस एक शख्स को लेके गई जिसकी निशानदेही से ही यह विस्फोटक इतों बरामद किया गया तो उस तो बाद एक होर शख्स को उसे की निशानदेही से काबू किया गया फिलहाल पूरी जानकारी पुलिस वालों शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की जाए पर उन्होंने पिंड सिंघा चो विस्फोटक मिले जिस तो बाद आले दुआले के इलाके जरूर सनसनी एक डर का माहौल पैदा होया